सो गाइस, जैसा कि आपने टीजर देख लिया है, अजय देवगन की न्यू मूवी रिलीज़ होने वाली है रनवे 34, जो कि बहुत ही कमाल की मूवी होने वाली है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने टीजर देखा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। मतलब इस मूवी के पीछे एक सच्ची घटना है, और वो कौन सी घटना है तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ये स्टोरी है जेट एयरवेज 3W555 की, जो कि 18 अगस्त 2015 के दिन कतर के कैपिटल दोहा से सुबह के लगभग 5:45 पे कोची एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। तब लगभग 5:45 का समय था, सुबह का टाइम था, सब कुछ सही था जब प्लेन ने टेक ऑफ किया। लेकिन इंडिया पहुंचने के दौरान पायलट को काफ़ी ख़राब मौसम, बर्फबारी और तेज़ गति जैसे तूफानों का सामना करना पड़ा। साथ ही विजिबिलिटी बहुत लो थी, जिसके कारण पायलट सेफली लैंडिंग कर पाने में बार बार असफल हो रहे थे। उन्होंने एक दो कोशिश के बाद और एटीसी से कांटेक्ट करने के बाद एक आखिरी सेफली लैंडिंग करने की सोची। उस प्लेन को कोची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि जिस तरह का मौसम था, उस मौसम के हिसाब से एटीसी ये परमिशन दे ही नहीं रहा था कि उस प्लेन को वहाँ पर लैंड किया जाए, जिसके कारण वे पायलट त्रिवनंतपुरम की ओर रवाना हुए। इन सब के दौरान प्लेन में फ्यूल भी बहुत कम बचा था, मतलब इतना फ्यूल था भी नहीं कि मतलब आप उस सफ़र को तय कर सकते हो, आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। बावजूद इतने मुश्किलों के, उस दिन पायलट ने 150 लोगों की जान बचाई, और वो काफ़ी सफल भी रहे इस चीज़ में। सो गाइज, ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि मैंने अभी अभी आपको रनवे 34 के बारे में बताई। ये रियल स्टोरी है गाइज, आप इसे नेट पे, गूगल पे सर्च भी करोगे तो आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पता चल जाएगा, और आप डीपली जानना चाहते हो तो आप सर्च कर लेना। अब बात करते हैं इस मूवी के जितने भी कैरेक्टर हैं और इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। तो गाइज, अब आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। गाइज, इस मूवी में एक खास कैरेक्टर भी दिखाई दिए हैं जिनका बेसब्री से इंतज़ार है, मतलब कि इस मूवी का तो है ही, इस मूवी में उस कैरेक्टर को देखने का सभी के मन में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और वो शख्स का नाम है अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी। भैया जी को तो सभी जानते हैं, यूट्यूब पर इतने फेमस जो हैं, जो कि इंडिया के मोस्ट और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूट्यूबर हैं। इनकी काफ़ी सारी रोस्टिंग वीडियोस आती हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत रेयर पर्सन आप होंगे फिर अगर नहीं जानते हैं, तो फिर भी कोई नहीं, तो वो भी इस मूवी में दिखाई दिए हैं। काफ़ी लोग ये जानने की कोशिश में हैं कि आखिर उनका रोल कितना है, लेकिन अभी तो मैं आपको ये बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी मूवी नहीं देखी है, मूवी अभी रिलीज़ भी नहीं हुई है। मूवी का रिलीजिंग डेट है 29th of April, तो आप इंतज़ार कर सकते हो। तब तक आगे की कहानी हम लोग बाद में ही जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अजय देवगन जी इस मूवी के एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। अमिताभ बच्चन जी इसमें को एक्टर हैं, और इस मूवी के जो राइटर हैं वो संदीप केवलानी एंड अमिल कियान खान हैं। और इस मूवी की बजट जो है वो 80 करोड़ रुपीज़ है। सो आई होप कि आपके कुछ क्वेरी रनवे 34 को लेकर जो थे वो ख़त्म हुए, और बाकी की जो क्वेरी है वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो बस इंतज़ार करिए, दिल थाम के बैठिए, मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो गाइज़, मैं आप लोगों से मिलूंगी फिर से ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।